त्योहारी सीजन और बढ़ती हुई चोरी की वारदातों के दृष्टिगत जिला पुलिस हमीरपुर की तरफ से लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर की तरफ से सभी पुलिस थाना के अधिकारियों को शहर में फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला पुलिस की तरफ से बाहरी राज्यों के लोगों तथा किरायेदारों के पंजीकरण के दृष्टिगत भी लोगों से अपील की गई है कि किरायेदार की सूचना पुलिस को दें। पुलिस ने लोगों से अपील में कहा है कि जिस किसी के यहां भी बाहरी राज्यों के मजदूर अथवा लोगों को घरों में किरायेदार रखे गए हैं, वहां पर निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना अवश्य दें। साथ ही त्योहार सीजन को देखते हुए लोगों से भी ये अपील की गई है कि लोग इन दिनों अतिरिक्त सावधानी बरतें। एडवाइजरी में कहा गया है कि अपना कीमती सामान, जेवर, रुपए इत्यादि घर में ना छोड़ें। घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे और यदि कैमरे नहीं लगे हैं तो उन्हें लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही विश्वसनीय पड़ोसियों को घर की निगरानी के बारे में सूचित करें। यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति गांव में घूमता या पाया जाता है तो इसकी सूचना निकटवर्ती पुलिस थाना में अवश्य करें। एसपी हमीरपुर आकृति शर्मा ने बताया कि यदि घरों में लेबर किरायेदार के रूप में रह रही है तो मकान मालिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे स्थानीय थाना में इसकी जानकारी दें। थाना भी पंजीकरण के बाद लेबर जिस राज्य के थाना से संबंध रखती है वहां से 12 पर्चा मंगवाएगा और इसे सुनिश्चित करेगा कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई केस दर्ज तो नहीं है या फिर वह कोई भगौड़ा तो नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन होती है इसमें 12 पर्चा इसे कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति, आप मान लीजिए उसे टेनेंट रखते हैं अपने घर पे किराए के रूप में, आपके पास कुछ लेबर रहती है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोकल थाने में उन्हें भेजें ताकि वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन हो। उसके बाद उनका जो वेरिफिकेशन के लिए वो जिस थाने से संबंधित है, सपोज कोई बिहार से है तो वहां पर वो जिस थाना क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं वहां से उनका 12 पर्चा आता है, जिसमें ये देखा जाता है कि क्या इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है या ये कोई भगौड़े तो नहीं है। ये तभी संभव हो पाएगा जब सभी लोग, जब भी जिनके घर में कोई किसी भी तरीके के कोई लेबर लगी है, वो काम कर रहे हैं या वो लगे हैं, तो चेक करें कि क्या उनके पास इस तरीके का कोई पुलिस द्वारा दिया गया कोई आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, और यदि नहीं है तो उन्हें आग्रह करें, उन्हें भेजें ताकि वो पुलिस के पास आए और वो अपना काम कर सकें। एसपी हमीरपुर ने त्योहार के सीजनों के दृष्टिगत जिला में पुलिस जवानों के फुट पेट्रोलिंग को बढ़ाने पर भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में फुट पेट्रोलिंग को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शाम के समय शहरों में अधिक गश्त बढ़ाई जाएगी और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी उन्होंने पूर्ण भरोसा दिया। हर सीजन में सबसे ज्यादा ये रहेगा कि पुलिस ये देखेगी किसी भी तरीके से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें कोई इश्यूज ना क्रिएट हो, तो समय समय पर गश्त और पेट्रोलिंग की जाएगी। और स्पेशली शाम के समय जब ज़्यादा भीड़ होती है उस समय जो है हम अपने सभी, हमने SHOs को डायरेक्शन दिया है कि वो अपनी जो पेट्रोलिंग है, फुट पेट्रोलिंग जिसे कहते हैं, वो उसे बढ़ाएंगे ताकि किसी भी तरीके से कोई भी समस्या जो है जनता को फेस ना करनी। अभी फिलहाल ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये जो है डीसी मैडम, डीसी ऑफिस के द्वारा ही इसमें नोटिफिकेशन जारी की जाती है, तो फिलहाल ऐसा गाड़ी बंद करना या कुछ ऐसा, अभी फिलहाल ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है।